और ये राज्य मंत्री भी है गठबंधन में। हमारे तालाबी विधानसभा के जी न्यूज पोर्टल पर मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ टोडा भीम कस्बे से। हमारे रूप में हमारे नानोजी तहसील के नानोजी मंडल के मंडल अध्यक्ष को बंटी बना के किसानों के पास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे रूप में जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता है संगठन के उनका तहे दिल से अभिनंदन हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो दिल्ली से चल करके सुरेंद्र नागर जी हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे पूर्व गृहमंत्री है महामंत्री जी हमारे बीच में चलने चाहे हाँ वो भी हमारे सभी संगठन के बंगली भूमि की जितने भी हमारे संगठन के है वो नाम नहीं जानता हूँ उनका तो कोई बात नहीं क्षमा चाहता हूँ। मैं निवेदन करूंगा अभी हमारे चुनाव प्रभारी हमारे जो तेरह दिन के चुनाव प्रभारी जी है रामविलास जी घोषे तो आप घोषा थे संबोधित करे आपका हार्दिक तहे से स्वागत अभिनंदन। चलो पहले राजस्थान में हमारे पिता है कि अतिथि देव हो। मैं निवेदन कर रहा वो नाम बता अतिथि देव हो तो पहले स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मैं सभी आगंतुक कार्यकर्ता सभी बंधुओं के लिए आग्रह करता हूँ कि बेटा वो अपने स्थान पर बैठ जाए और स्वागत की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आग्रह करता हूँ। स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम आग्रह करता हूँ माननीय नागरिकों का स्वागत के लिए माननीय अतिथि के लिए आग्रह करता हूँ कि नागरिकों का यह स्वागत नारायण साधा बना का स्वागत करें। और ये खाना जो बच रहा है गाड़ी में खड़ी रहे तो खाने को रुकवा दो थोड़ी देर यार व्यवस्था हो रही है। ये खाने की जो गाड़ी है जिसके खरीद आप वितरित कर रहे हैं इसको साथ आगे ले गए थोड़ी देर के लिए बंद कर दो इसको। हाँ अब मैं स्वागत की कड़ी में आगे आगे करना चाहता हूँ माननीय श्री रामराज जी का इनके स्वागत के लिए माननीय श्री भीम जी की राजे साहब पूर्व गृह मंत्री भाजपा फोन का नारायण साधा बना का स्वागत करेंगे। श्रीमान रामराज जी विधानसभा प्रभारी सेना जी सामने आएंगे स्वागत की स्थल में सभी लोगों को सामने बनाएंगे स्वागत की स्थल में आगे में निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के विचारक मनीष जी शर्मा का स्वागत के लिए बंदी बना भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है वो आए और उनका साधारण माला बनाकर स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में बांधागढ़ से पधारी हुई हमारे बीच में श्रीमान और श्रीमती भीड़वाड़ा से जो पधारी है संगीता जी आपके बीच मौजूद है उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्याम जी सिसोदिया जिला
बैठ करके उनको स्वागत करें। श्रीमान श्याम सिंह जी, श्याम सिंह जी सिसोदिया को स्वागत कर रहे हैं अंबिका होटल का। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे विधानसभा के प्रभारी जो हैं श्रीमान राम निवास जी, पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से, समस्त आमजन की ओर से, समस्त सभी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सहज स्वभाव कर्मठ प्रत्याशी भाई राम निवास जी को मालाएं साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान राम निवास जी, राम निवास जी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे कार्यकर्ता टोड़ा भी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, पधारे हुए स्टेज पर, हर गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से आए, आप साधारण आनंद देते हैं सभी समाज के, हाँ सभी समाज के लोग पंचायत में पावर बैंक के तुम पे पावर बैंक, हाँ आजा सब आजा सब सर समाज के, हम आपको कितने लोग बनते हो सर समाज के, टोडा भी नहीं डाल रहा तो आठ सौ को करा रहे हैं जैसे सर ये चैनल चल रहा है। अच्छा चल रहा है, हमारे भी संत समाज से आए हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनका माला साफा पहनाकर संत भगवान का स्वागत करें। हमारे महाराज जी आए हुए हैं, संत समाज से हैं, संत भगवान ने उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। हमारे
सभी गांवों से सभी क्षेत्रों से दूर दराज से पधार रहे मेरे मनियों से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तमाम को भूख का बटन दबाकर भारी मतों से विजय मनाए। एक बार यदि आपने अल्पाहार ले लिया हो तो सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर और मंच की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और जो पीछे हमारे कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं और हमारे जो दूर से पधारे हैं हमें उनको सलामी है और आप सब यहाँ पधारे हैं समय हमारे पास कम है और उसका हमें उपयोग करना है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार परिवार के आप सब स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी बाहर से हमारे जो भी कार्यकर्ता बाहर है उन सबको अंदर बुला लें, हमारे जो भी कार्यकर्ता है उन सबको अंदर बुला लें और ध्यान से हम सुनेंगे आगामी चुनाव के लिए क्या निर्देश मिलते हैं, किस तरह हमें भूत का खड़े होकर के और इस विधानसभा को जीत करके मोदी जी के हाथों में मजबूत करना है। हमारे बीच में राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा के सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी दिल्ली से उत्तर प्रदेश से आप सभी हैं, हम कई बार 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 ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। सुरेंद्र नागर जी का हमारे बीच में रामदास जी बना रहे तेरह विधानसभा से रामदास भूमि जी बना रहे उनके लोग एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में एक बार मनीष शर्मा जी विस्तारक बस 20 दिन तो जिंदा रहो, चुनाव चुनाव तो जिंदा रहो, ऐसा नहीं करो तो बैठक में नहीं अवेलेबल है। अरे ऐसा मत छोड़ो, आई हम रहा है और कौन आ रहा है आज यहाँ ये निकल रहे आप कह रहे तोड़ा भीम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम निवास मीना जी के इस नामांकन की सभा में उपस्थित लार में और जिन्होंने लगातार लंबे समय से इस क्षेत्र में रहकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया और उनके इसी संघर्ष को देखते हो जो जमीन पर रहकर उन्होंने काम किया जो सेवा इस क्षेत्र की उस सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस राजस्थान के विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है जिसमें आपको अपना भाग चुनकर इस राजस्थान की विधानसभा में अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजना है उसके लिए राम निवास मीना जी को
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किया है। ऐसे रामनिवास मीणा जो मेरे साथ मंच पर मौजूद है, हमारे रामनिवास जी विधानसभा के प्रभारी विस्तारक जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित पटेल बुजुर्ग और युवा साथियों और मार्गदर्शक, मैं बहुत लंबा आपके बीच में भाषण देने नहीं आया हूं, क्योंकि लंबे समय मुझे प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश से आकर आप लोगों के बीच में अगले 20 दिन तक रहने का अवसर प्राप्त हो और 20 दिन तक ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद इस विधानसभा के चुनाव में रामराज्य को मिले और इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार जो गहलोत की सरकार है, जिसमें पूरे देश में अगर दुष्कर्म की बलात्कार की घटनाएं पूरे प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा हुई है, तो इस राजस्थान में गहलोत के पिछले लगभग 5 वर्ष के सरकार में जब गहलोत की सरकार बनी थी तो उस समय इस क्षेत्र के इस प्रदेश के किसानों से वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद आपके किसानों के कर्जों की माफी कर दी जाएगी, लेकिन कर्जों की माफी तो नहीं हुई। इस राजस्थान के 1900 से ज्यादा के किसानों की जमीन कुर्क करने का काम इस गहलोत का काम है। ऐसी दरखास्त में केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं हुआ और ये तो बहुत सुना कि जयपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस प्रदेश की पहली सरकार है कि जिसके विधायकों ने थाने और तहसीलदारों से महीना मानकर आम जनता के पैसा उठाने का काम किया, इसके कितने एमएलए हैं, मुख्यमंत्री है, अपना थानेदार है, अपना तहसीलदार है, अपना एसडीएम है, उसकी अपनी सरकार है और उसको लूटने का अधिकार किसी ने दिया तो गहलोत की पट्टी बांध कर बोले कि जितना लूट सके तो लूटो, मुझे तो अपने 5 साल पूरे करने की गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए तुमने भी एमएलए का वोट उनको नहीं दिया, तुमको तो पूरे राजस्थान वाले झांसे में आ गए, एक नया सरकार बना दिया, मुख्यमंत्री बनाना किसे था बना किसे दिया, ये कांग्रेस की सरकार है और देवनारायण के भक्तों से तो कह दिया गया तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनाया नहीं वोट लेनी और मुख्यमंत्री गहलोत से क्षेत्र की जनता का पूर्वी राजस्थान की जनभावना अनादर करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। और हो गए किसके चुनाव 5 वर्ष में आ जाता है, 5 साल पूरे हो गए, अब उनका 5 साल तक तो उन्होंने अपनी चलाई है, अब 5 साल के बाद तुम्हें बटन दबाने का मौका मिलेगा 25 तारीख को जिस तरीके से धोखा देकर आपकी वोट ली गई, जिस तरीके से आपको जिस तरीके से भ्रष्टाचार महिलाओं के बलात्कार गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम किया है, उससे बदला लेने का काम आने वाली 25 तारीख को आप लोग करेंगे। रामलाल जी को लेकर अपना एमएलए चुनकर जयपुर भेजकर राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज उठाने का मौका कर देंगे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, जिससे पूरी दुनिया में जिस तरीके से
इस देश का नाम ऊपर करने का काम किया है, इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उनको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। यहाँ से तोड़ा तोड़ा के भाई रामलाल जी को विधानसभा में भेजो। यही अनुरोध करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक बात बताओ, क्या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो? आप घर के बताओ कितने लोग होया आप नीचे पक्का दिल से चाहते हो? जब दिल से चाहते हो ना, तो एक काम करना पड़ेगा, इंदौर लेकर जाना है। अगर रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले राजस्थान विधानसभा के चुनाव है 25 तारीख को, और इस 25 तारीख को जो विधानसभा के चुनाव होंगे, जब नीचे आएंगे पूरे प्रदेश में लोगों की सरकार बनने जा रही है, उसमें चारों भीड़ भी भागा जा रही हो, वो आप लोग सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाएंगे, चौथी कभी बीजेपी पार्टी में बनाएंगे, और लोकसभा में 25 सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही निवेदन करने मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ। आने वाले समय में आपके बीच में रहने का मौका मिलेगा, और एक दिन में निकाल लेना। बहुत से लोग कह रही है पार्टी में ये नहीं वो नहीं, पार्टी की चिंता करते थे, मैं बैठा हूँ, रामविलास जी बैठे, विस्तारक जी बैठे, पार्टी के बारे में कुछ कुछ कह तो सुनना मत, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप हो। मंच के माध्यम से मैं कहते जा रहा हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम राम साहब।